नए हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर होगी किसी ने नहीं सोचा था। जौनपुर में बेचारे बुजुर्ग की पत्नी का देहांत हो गया, नाते रिश्तेदारों ने कंधा देने से मना कर दिया, साइकिल पर पत्नी का शरीर लाकर दफनाने ले जा रहे थे, बीच में गश खाकर गिर गए। फोटो वायरल हो गई, फिर पुलिस वालों ने कंधा दिया। मुस्लिम जमात को कोरोना बम कहते थे ना आप लोग, हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम देशभक्त मीडिया ने बिना सोचे समझे मुस्लिमों को कोरोना बम कहकर उनकी आत्मा को चोट किया, इंसानियत पर कोरोना का ठप्पा लगा दिया। तब ये बेशर्मी, ये नंगा नाच करने में देश की मीडिया को बहुत मजा आया था। मैं तो मिश्रा हूं, मेरे पास तो मिश्रित ज्ञान है, प्योर पंडित हूं, मुझे भी मजा आना चाहिए था। एक धर्म के लोगों को लुलुहाया जा रहा था, प्रवोक किया जा रहा था, लेकिन नहीं, मेरे देश के हिंदू भाई बहन सब देख सुन रहे थे। मीडिया की आत्मा मर चुकी थी, लेकिन हम भारतीयों में जिंदा थी। खैर, अब वही आपके जमात वाले जिनको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बेशर्मी से कोरोना बम कहती थी, वही मुस्लिम लोग समाज में सेवक बनकर सामने आए हैं। बात निकल आई है तो अभी का एक किस्सा बता देती हूँ। वीडियो बनाने से ठीक पहले हमारे पास एक खबर आई कि गोमती नगर में टोटल टीवी के पत्रकार का कोरोना से निधन हो गया, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं मिल रहा था। दिल्ली से लोगों ने ट्वीट किया, लखनऊ की 45 से 50 लाख की आबादी में एक भी आदमी या एक भी देशभक्त पत्रकार नहीं मिला जो कहता कि ठीक है पत्रकार की घर वाले लाश नहीं ले पा रहे तो भैया चलो हम जला देते हैं। सामने आया कौन? सामने आए सैयद रिजवान अहमद भाई। वो लाश वाली गाड़ी लेकर पहुंचे और भैंसा कुंड पर पत्रकार का अंतिम संस्कार किया। याद कीजिए, रिजवान अहमद पिछले साल वाले कोरोना बम हैं। जो मीडिया उनको कोरोना बम कह रहा था, उसी मीडिया के पत्रकार का अंतिम संस्कार तब किया जब उनके अपने घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। यही क्यों बताने बैठी हूं तो और मस्जिद वाले और कोरोना बमों के बारे में सुनते जाइए, जो इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान के लोगों के लिए फरिश्तों की तरह काम कर रहे हैं। और मन ही मन पश्चाताप करिए कि पिछले साल आपने इन्हें कोरोना बम कहकर पाप किया था। ये चांद कुरैशी साहब हैं। जब लखनऊ में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मौत का भी सौदा करने वाले कालाबाजारियों ने 48,000 रुपए तक तय कर दी है, तब राहत इंसानियत ट्रस्ट चलाने वाले चांद भाई फ्री में ऑक्सीजन गैस भरकर हिंदुओं को दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, सभी। वो किसी जात धर्म पर विश्वास नहीं करते। शिवली सिद्दीकी भाई हैं ये, लखनऊ के विकास नगर की तरफ रहते हैं। रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक ऑक्सीजन दिलवाते हैं। मेरी उनसे लगातार फोन पर बात हो रही है। एक बार कहने पर वो लोगों को बुलाकर उनसे बात कर उनको ऑक्सीजन देते हैं। ये सैयद जरीन है, मुस्लिम है, महिला है, समाज सेवी है, दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं, रोजा चल रहा है, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे जिस वक्त उनको किसी की भी मदद के लिए फोन कर दे वो तुरंत उठा लेती हैं और तुरंत मदद करती हैं। आज जब सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, हॉस्पिटल्स में फोन नहीं लगते हैं, तब सैयद जरीन लोगों की मदद के लिए फोन उठा करके लोगों की मदद करती हैं। सिलेंडर से लेकर इंजेक्शन तक, इंजेक्शन से लेकर दवाओं तक सबकी व्यवस्था करवाती हैं। जब सरकारें फेल हैं तब भी लोगों की मदद कर रही हैं। अपने पिता को कोरोना में खो चुकी हैं, लेकिन मदद का जज्बा कम नहीं है। हिंदुस्तान की ये वो कोरोना बम है जो लोगों का धर्म नहीं देखती। सिर्फ यही नहीं है, इफ्फत चाचा जिनको मैंने कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन लखनऊ में जरूरतमंदों तक सिलेंडर भरवाकर फ्री में पहुंचाते हैं। कोरोना के उस पार अगर जिंदगी रहेगी तो इफ्फत चाचा से जरूर मिलूंगी। दोस्तों, हाथी के दांत खाने की और दिखाने के कुछ और होते हैं। लखनऊ का हाल बता रही हूं, यहां हालात बेकाबू हैं। हाल यह है कि जैसे ही आंकड़े 5,000 पार जाते हैं, सरकार आंकड़े छिपाने में लग जाती है। अखबार कोरोना के आंकड़े खोज रहे हैं लेकिन आंकड़े नहीं है, ब्यौरा देना बंद। सरकार ने कहा कि लखनऊ के सारे अस्पताल बताएंगे कि किनके यहां कितने बेड खाली है। ये लो लिंक और इस पर बेड की पूरी डिटेल भरो। आप यकीन नहीं मानेंगे, लखनऊ के 70 में से सिर्फ 34 अस्पतालों ने डिटेल भरी है, बाकी किसी ने बात नहीं मानी। यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी में बीजेपी सरकार का इकबाल। इनका जोर सिर्फ ऑक्सीजन भराने के लिए लाइन में लगे बेचारे गरीबों पर चलता है। थन्ना सेठों के अस्पतालों के आगे खीसे निपोर देते हैं, कोई खबर बताए तो एनएसए लगाने की धमकी मिलेगी। अब है हिम्मत, अस्पतालों के मालिकों के घर खोद डालो, लगाओ एनएसए। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन सभी अस्पतालों में है, अस्पताल कहते हैं कि जी नहीं है, अपना सिलेंडर लाओ। सरकार कहती है कि रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है, जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर पर्चे पर लिख रहे हैं कि जाओ भैया रेमडेसिविर लेकर के आओ, चाहे जहां से लेकर के आओ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और